इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। उसके पाकिस्तान आने से सरकार की भी कचूमर निकल गया, इसका अपना भी कचूमर निकल गया, पब्लिक ने इसका बाजा बजा दिया है। जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन एक महीने के लिए मौजूद है और वो हर रोज पाकिस्तानियों की इंसल्ट है। आप बड़े उल्मा बंदे फिरते हो, आपको बोलने की तमीज नहीं है आप। भाई साहब ये तो गजब ही हो गया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक इस्लामिक प्रीचर को नहीं झेल पा रहा है। कोई पाकिस्तानी उसे गटर के दिमाग वाला बता रहा है, तो कोई नालायक करार दे रहा है, कोई बदतमीज बता रहा है। अरे भाई पाकिस्तानियों, इतनी जल्दी अपने पक्के मुसलमान मेहमान से परेशान हो गए, ऐसा नहीं करते यार। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर पर, अरे भाई आसिम मुनीर के बिना ऑर्डर के शहबाज शरीफ चाय का एक प्याला तक नहीं पी सकता, एक कप चाय तक नहीं पी सकता, इसलिए बोल रहा हूं। तो आसिम मुनीर के ऑर्डर पर भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान बुला तो लिया, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग ही शहबाज गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं। हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं कि किस बेवकूफ ने जाकिर नाइक को पाकिस्तान बुलाने का सजेशन दिया था। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज जाकिर नाइक से पाकिस्तान के मर्द नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान की औरतें नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान की मीडिया नाराज है, जाकिर नाइक से पाकिस्तान के फिल्म कलाकार नाराज हैं, जाकिर नाइक से पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका नाराज है। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि हर बात में इस्लाम, मुसलमान, कुरान की बात कहने वाले पाकिस्तानियों को जाकिर नाइक जैसा कट्टर मुसलमान पसंद नहीं आ रहा है। असल में जाकिर नाइक जब से पाकिस्तान पहुंचा है, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बैंड बजा रखी है। वो बात बात में पाकिस्तान को बेइज्जत करता है, पाकिस्तानियों की फजीहत करता है। पाकिस्तान की महिलाएं और लड़कियां जाकिर नाइक की पहली टारगेट हैं। वो लगातार महिलाओं को लेकर अंट शंट बक रहा है। पहले उसने अनाथ बच्चियों के साथ बदसलूकी की, फिर सवाल पूछने पर पख्तून लड़की के साथ बदतमीजी की, उसने शादी न करने वाली औरतों को बाजारू कहा। खूब बवाल हुआ, लेकिन जाकिर नाइक लगातार पाकिस्तान में ऐसी बातें करता ही जा रहा है। जाकिर के मन में महिलाओं के लिए कितनी गंदगी भरी हुई है कि वो कहता है कि अगर टीवी पर किसी एंकर को 20 मिनट तक देखने के बाद भी मर्द के अंदर हलचल ना मचे तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या हलचल होना ही चाहिए, नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास है, आप समझे ना, ये उसूल है। तो कुरान की आयतें गुज़र बसर करो। अब जाकिर नाइक की इस बात पर बवाल मच गया। जाकिर के इस बयान ने भी पाकिस्तानियों को एक नई लड़ाई में झोंक दिया है। जाकिर को मानने वाले कट्टर इस्लामिक उसे सही ठहरा रहे हैं। औरत को है कसूर, सबसे पहले अभी आप लोग देखे ना, दुपट्टा है, सर पे मेकअप किए हुए, कुल हाम बालों के लिए तो लाजमी बात है ना, इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं। सबसे पर्दा पर्दा होनी चाहिए औरत के लिए, हालांकि बुरके में होना चाहिए, सही पर्दा होना चाहिए। जब इस तरह औरतें खुले हाम बाले खुले मेकअप किए होंगे तो लाजमी लोगों की नहीं तो ख़राब होंगे। हाँ। जब खुद एक औरत ही इंसान को मौका देते मर्द को, तो लाजमी फिर मतलब मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, तो ये क्या औरत का गुनाह है? अच्छी कपड़े बेशक पहन ले, लेकिन पर्दे में पहन ले, लेकिन इस तरह नहीं कि खुलेआम। अभी यहाँ पे मार्केट में आप लोग देख किस तरह औरतों ने जीन्स पहने हुए, सब कुछ मेकअप में खुलेआम बैठे हुए हैं, तो लाजमी इधर जब लोग आते हैं तो बिल्कुल शो के लिए, तो नहीं इसीलिए सब लोग आते हैं। तो दूसरी तरफ जाकिर के इस बयान के बाद कई लोग उसे गालियाँ दे रहे हैं। बात बताए, मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मैं अभी मेकअप में हूँ, आपको कुछ कुछ हो रहा है? नहीं कुछ है, ऐसी तो कोई ऐसी बात नहीं। आम तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक। नहीं वो तो उन्होंने जाए, लेकिन हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं? वैसे ये तो नहीं है कि आपको देखने से हम डॉक्टर के पास चले जाएं,
अगर ना देखेगा, देख लो कोई एहतराम भी कोई चीज़ होती है, ये तो नहीं है। अब आप एहतराम को भूल जाएं, हर चीज़ करें, देखो घरों में माएँ बहनें इज्जत, हम सबका काम, मेरे तो ऐसा मेरे तो हर वक्त ही लेडीज़ के साथ मेरा शोभा है, मुझे तो 20-25 साल हो गए घरों में काम करते हुए, हम तो इस तरह करें तो फिर तो हम इतनी हालचाल ही मचा दें। अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो फिर तो डॉक्टर का काम ही नहीं बनता, अगर आप औरत को देख रहे हैं ना फिर जाना चाहिए। अच्छा। दोनों तरह से जाना चाहिए, मतलब आप एक आप न्यूज़ सुन रहे हैं और उल्टा बोल दिया। हाँ, बात वो है कि डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पर, आपका माइंड सेट क्या है। जाकिर औरतों को न केवल हिजाब में रहने बल्कि पूरी तरह से ढके रहने की वकालत करता है। तो आप अगर जिलबाब ऐसा लोज ओवरकोट नहीं पहनना चाहिए, नंबर टू। नंबर थ्री, पतले ने होना चाहिए, चाहे उसके थ्रू देख सके आप। नंबर फोर, भड़कीली ने होना चाहिए, ऐसे कलर जो फ्लोरोसेंट है आजकल, अबाया पहनते जैसा लाइट आए तो चमक चमक आँख के ऊपर आता है, ऐसा ये गलत है। चमकीले भड़काऊ नहीं होना चाहिए। नंबर फाइव, वो दिगर मजाहिब के नहीं होना चाहिए, मिसाल पे क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना गलत, टाई क्रॉस नहीं है तो टाई पहनना मुबाह है, फर्ज नहीं है, टाई पहनना मुस्तब भी नहीं है। तो क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना गलत है। और आखिरी है छठा नंबर, ऐसे कपड़े ना पहनो जो दूसरे जिन्स के हो, आप समझे ना। तो ये 6 क्राइटेरिया है, कहीं भी क्राइटेरिया में नहीं लिखला है कि पाकिस्तान होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए या सऊदी अरेबिया होना चाहिए। हम माशरे के हिसाब से, मिसाल के तौर पे हम अरब देश में जाएंगे तो उनको पसंद है काला, लेकिन क्या लिखा नहीं क्या काला फर्ज है। मैं कहता हूँ काला पहनेंगे तो वो अबाया आप एक हफ्ता पहन सकते, सफ़ेद पहनेंगे तो 2 दिन के अंदर ख़राब होएंगे, आपकी मर्ज़ी, सफ़ेद पहनो 2 दिन के लिए, खाना पहनो। कपड़े भड़केली कलर के नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कल्चर को आप फॉलो करते हैं और शरीयत के खिलाफ नहीं तो जायज़ है। right. तो आप काला पहनो नो प्रॉब्लम, ऐसा ब्लू पहनो नो प्रॉब्लम, लेकिन भड़केली मत पहनो, चमकीली मत पहनो। लेकिन कल्चर कहता है वेस्टर्न का शॉर्ट पैंट, तो एक मर्द शॉर्ट पैंट नहीं पहन सकता है क्योंकि मर्द का सतर है नेवल टू द नी। तो कल्चर को फॉलो करो जब तक वो शरीयत के खिलाफ नहीं। ठीक। तो अगर मैं वेस्टर्न कंट्री का सूट पहनो, टाई पहनता हूँ, कहाँ शरीयत में लिखा टाई मत पहनो। लेकिन नाइक का दोगलापन देखिए कि वो खुद इस्लाम के हिसाब से कपड़े नहीं पहनता, वो सूट पैंट पहनता है, टाई लगाता है। इतना झूठ बोल रहा था, हर प्रोग्राम में इसके झूठ पकड़े गए। तो तारिक भाई ने सही बताया था कि ये इसका, इसकी ड्रेसिंग देख लो, देखा जाए तो ड्रेसिंग ये जो करता है ये हराम है, क्योंकि ये जो टाई है ना ये अंग्रेज ने क्रॉस बनाई थी, क्रॉस के लिए ये टाई पहनता है ना अंग्रेज ने क्रॉस के लिए, और ऊपर टोपी पहन लेते हैं, जैसे इमरान खान कुर्ता शलवार पहनता था ऊपर कोट पहन लेता था। पता नहीं इन लोगों को क्या मतलब वो है कि कुर्ता शलवार इस्लामिक हो गया, ऊपर कोट पहन लिया अंग्रेज का। अबे वास्केट पहनो, अगर जो कुर्ते शलवार के ऊपर वास्केट पहनी जाती है, कोट पहन रहे हैं ये भाई साहब, टोपी पहन रहे हैं, नीचे टाई क्रॉस और शलवार ऊपर, पतलून भी ऊपर, घुटना टखना ये जो होता है ना टखना नजर आना चाहिए। तो मोजे क्यों पहने भाई साहब, मोजे के ऊपर कपड़ा आ गया ना भाई, अगर टखने के ऊपर कपड़ा नहीं आना चाहिए तो मोजा क्यों पहना है भाई। इसका इस्लाम के साथ क्या तल्लक है? इस्लाम में तो कभी आपने देखा कि वो जो उसका जो उसने लिबास पहना होता है वो उसका, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि उसका लिबास कैसा है। कभी आपने देखा वो किस तरह, जब भी वो उसने आई थिंक आपने वो काबा शरीफ गया, उसने अहराम भी नहीं बांधा हुआ, पहनना ही नहीं हुआ। अच्छा। उसने पता नहीं क्या एक लिबास जुब्बा पहना है, अदरवाइज उसने पैंट कोट पहनना होता है। इस्लाम के साथ उसका कोई लिंक ही नहीं है। तो आपको ये बात जो ऑडियंस है आपकी, वो ये बात सोचे कि ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं है। तो जाकिर नाइक के ऐसे बहुत से डबल स्टैंडर्ड्स और झूठ सामने आ चुके हैं, लेकिन वो हर बार कुरान और हदीस की आड़ में अपने झूठ को छुपाता फिरता है। लेकिन सवाल तो ये है कि सच्चे मुसलमानों वाले पाकिस्तान में लोगों को इससे दिक्कत क्यों हो रही है? भाई वो तो इस्लाम की ही बात कर रहा है ना, तो फिर सुनो उसकी, मानो उसकी बात। हर बात में पाकिस्तानी रोते रहते हैं कि उनका मुल्क इसलिए पिछड़ गया है क्योंकि वो दीन से दूर हो गए हैं, वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भाई भारत का भगोड़ा जाकिर नायक गया तो है पाकिस्तान, उससे ठीक से इस्लाम पढ़ लो और दीन के करीब आ जाओ, इसमें परेशानी क्या है? अब जाकिर कह रहा है कि औरतों को घरों में रहकर बच्चे संभालने चाहिए, सियासत में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो भाई शहबाज शरीफ साहब,
अपनी भतीजी से फौरन इस्तीफा लो, उसे घर पर बिठाओ, क्योंकि ऐसा करके तो आप इस्लाम और कुरान के इंसल्ट कर रहे हो ना उसको सीएम बनवाकर। आप पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में जाकिर नाइक ने साफ साफ कहा कि इस्लाम औरतों को हुकूमत की इजाजत नहीं देता। वह इस बात से खुश नजर आया कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई। उसने पाकिस्तान के पंजाब में मरियम नवाज के सीएम होने को भी गलत बताया। उसने कहा कि पाकिस्तान के मर्द मर गए हैं क्या जो एक औरत को मुख्यमंत्री बना दिया है। अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेंगे। हदीस है, उसमें भी दो इख्तलाफ है। कुछ कहते नहीं वो सिर्फ परीक्षा के लिए था, कुछ कहते नहीं आम था। मैं मानता हूँ ये आम है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह ने मर्द और औरत को अलग अलग रोल दिए। आप उसको छोड़ के हुक्मरान करेंगे तो पॉसिबल है क्या बच्चे का ध्यान रखें कंट्री का ध्यान रखेंगे? आपको फिर कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं तो बच्चों को छोड़ दे, बच्चे की तरबियत कीजिए। नहीं नहीं, वो अगर वो औरत बड़ी होगी बच्चे बालिग होगी तो क्या? अभी हुक्मरान बनेंगे तो कैमरा के नज़दीक आएंगे ना, इस्माइल देंगे, फिर वो हुक्मरान कोई मर्द से मिलेंगे तो शेक हैंड करेंगे। आप जानते हैं कोई भी खातून, और अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा है खवातीन, अफसोस की बात है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए आप मीडिया पे क्या कर रहे, शेक हैंड कर रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर आप नामहरम को छुएंगे, एक खीला सिर में डालना बेहतर है, सिर में खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। भाई पाकिस्तान में तो बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, मरियम सीएम है, कई फीमेल लीडर्स फेडरल मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो जाकिर को स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाने वाले शहबाज शरीफ अब क्या करेंगे? खैर शहबाज शरीफ में तो कुछ करने की औकात नहीं है, लेकिन महिला प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पर जाकिर के इस बयान पर स्कॉलर्स और पढ़े लिखे लोग उसे खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें इसने की हैं। अब शहबाज शरीफ की सरकार ने इसको बुलाया, शहबाज शरीफ की भतीजी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, तो ये कहते हैं कि ये क्या मर्द मर गए? नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को प्राइम चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, औरत की लीडरशिप हराम है। दूसरा, इसने जो रेप के बारे में जो खतरनाक बात की है कि एक रेप करने वाला को माफ़ी मिल जाएगी, जिसका रेप हुआ है उस लड़की का को माफ़ी नहीं मिलेगी। कि जी ये उसने पहले भी कहा था कि इस्लाम में जो है चाहे हराम है, ये आप जो है वो सिस्टम को जो है ना ख़राब करें औरत की हुक्मरानी के नाम पे, इस तरह की बात की थी उसने, फिर दोबारा वही बात की। तो इसको अगर आप प्रॉपरली देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ना हिस्टारिकली। तो आप मुझे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कोई एक कंट्री बता दें जिसमें कि कोई ना कोई बड़ी कादावर किस्म की हुक्मरान जो है वो अशराफिया में औरत ना रही हो। वो खुद इंडिया के अंदर जो है इंदिरा गांधी से लेके तो आप जनाब श्रीलंका से होते हुए बांग्लादेश से चलते हुए आप पाकिस्तान किसी मुल्क में चले जाएं, ये सोसाइटीज जो है ये फीमेल फ्रेंडली जो है जेंडर इक्वलिटी पे बिलीव करने वाली सोसाइटीज हैं। यहाँ औरतों का एहतराम किया जाता है, यहाँ आप किस तरह आप इंसान की एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है उसको सिंगल आउट करके तो उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर दें कि तुम इस तरह बात करती हो तो ये नहीं कर सकती, तुम इस तरह चलती हो तो ये नहीं कर सकती, इस तरह पहनती हो, दिस इज फासिज्म। और ये फासिज्म की सबसे जो है क्रूड और खौफनाक किस्म की शक्ल जो है जो आपको नजर आती है वो ये है, आप जो है वो एक सिस्टम के अंदर रहते हैं जहाँ पे लोग इस बात का फैसला करते हैं कि हमारा रहनुमा कौन होगा, हुक्मरान कौन होगा, तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो विद द फ्री कंसेंट अगर जाके तो ये फैसला करते हैं। तो ये देखना कि इसका जेंडर क्या है तो ये तो खुदा की जात को चैलेंज करने वाली बात है कि अगर जो है खुदा को ये मंजूर नहीं है कि उसकी मखलूक का कोई हिस्सा जो है वो हुक्मरान बने तो वो उसको बनाने की इजाज़त क्यों देता।
सवाल तो ये पैदा होता है ना, अल्लाह ने किसी मगरमच्छ को जो है वो बादशाह बनाने की इजाजत तो नहीं दी है ना। अब ये क्या करने की बात हुई है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। और ये जो डिसेंसी के बेसिक उसूल और प्रिंसिपल्स हैं, मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ लोगों को चैलेंज करने, उनकी अक्ल पे मातम करने वाली बात है। और यही बात पूरे बरसगीर पे सादर आती है। महिलाओं को लेकर जाकिर नाइक की सोच पर सोशल मीडिया में भी घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक भी इस सूट बूट वाले रेडिकल मौलाना पर भड़की हुई है। उनको ये राइट दिया किसने है कि पाकिस्तान की 52% जो आवाम है, ठीक है, उसका स्टेटस, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो डिसाइड करेंगे कि वो लोग क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। यार बंद करो ये तमाशा। अच्छा। तो शुरू से लगा के रखा हुआ है, शुरू से लगा के रखा हुआ है। 1947 से पहले तक ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौम को तकसीम करते आए हैं, लड़वाते आए हैं, बांटते आए आपस में, ठीक है। वो खत्म हुआ, ठीक है जी, आपने अपना मुल्क बना लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली, उसके बाद आपने सुन्नी शिया ये वाला तजाद शुरू कर दिया। उससे यही रोना है हमारा। हमें नहीं पता हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमें नहीं पता हमारी रोटी कहाँ से पूरी हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक आदमी को जिसकी नेशनलिटी भी यहाँ की नहीं है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं, वो आकर हमें बताए कि यहाँ पर विमेन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी। जाकिर नाइक ने रेप के लिए महिलाओं को ही दोषी ठहराया। वो कहता है कि अगर किसी महिला लड़की ने हिजाब नहीं पहना है और अगर उसका रेप हो जाता है तो वो महिला ही दोषी है। अब उसने कुरान का हवाला देकर यह भी कह दिया कि अगर 20 मिनट तक किसी महिला को देखने पर शरीर में हलचल ना हो तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी वो इस बात की वकालत कर रहा है कि मर्द को उस औरत के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। उसके इन्हीं घिनौनी बातों को लेकर पाकिस्तान में लोग उसे भर भर कर गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन का इकतदार है ये हराम है। बेनजीर भुट्टो का इकतदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ। मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है, दिमाग जो है वो गटर गटर उससे भरा हुआ है, और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। यतीम बच्चियां आई, पहले तो वो आए सेरेमनी पे, फिर उन्होंने वहाँ ड्रामा किया, स्टेज से उतर गए तो उन्होंने बोला कि मैं कांट स्टैंड विद दिस, अब बेटी बेटी मेरी बेटी थोड़ी है। तो सर अगर तो आप आपकी नज़र में जो ख़वातीन हैं उनके साथ खड़े नहीं हो सकते तो ये यतीम बच्चियों से भाग भाग के छुप कर गए और फिर जहाज़ में एयर होस्टेस के साथ जाकर बैठ गए, वहाँ तस्वीरें भी खिंचवाईं। वो तो शुक्र है कि एयर होस्टेस कोई 13-14 साल की यतीम बच्ची नहीं थी, वरना तो जाकिर नायक साहब ने मेरे ख्याल से जहाज़ से ही छलांग मार देनी थी कि गुड जंप सिस्टर। हो सकता है यतीम बच्चियों की जगह अगर सोहा अली खान होती तो जाकिर नायक बैठ के घंटे का प्रोग्राम भी कर लेते, वरना हमारे तो उन्होंने एंकर्स का मजाक भी उड़ाया कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ वो सामने आ रही, मैं पीछे जा रहा हूँ वो सामने आ रही, जैसे पता नहीं जाकिर नायक पे वो अटैक करने वाली थी। ऐसा कुछ था नहीं, वो बेचारी कोई फीमेल एंकर सवाल पूछ रही होंगी। अगर आपको इतना मसला था आप मना कर देते, आप क्यों शो में जाकर बैठ रहे हैं फीमेल एंकर्स के साथ, फिर सबको बता भी रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आपकी टैग लाइन गुड क्वेश्चन सिस्टर है, तो अगर ना मेरा औरतों से बात नहीं की जा सकती तो आप तो पब्लिक मजमे में करते हैं ना, ना मेरा औरतों से बात। पहले कम नलायक थे, अब ये बात सुनी है तो ज़्यादा नलायक है। मेरी बात सुनिए, देखें ना आप इसके ऊपर तो बहस करना बनता नहीं है। आप देखें ना उनको बोलने के इतनी शर्म नहीं है उसको, जो अनमेड औरतों को उन्होंने बाजारी बोल दिए, उनसे गरमा बहन नहीं होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी ना उस बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, जो किसी लोग जो गरीब लोग हैं वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे वो बाजारी ही है बंदा पूछे, आप उनको बाजारी कह रहे हो, उनको कितने हर्ट, वो एक आप उलमे ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती, आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने दो औरतें देख ली बाजारी हैं तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया, ये कोई तरीका है आपका उलमा साहब? आप उलमा बनते फिरते हो, अपने आप उलमा कहते हो, ये उलमा है? मैं कहता हूँ मैं अब उलमा है, मैं क्या इनकर, ये नाइक नहीं है, ये नाइक ही सही, जिन्होंने बड़ा सही बोला है मेरे ख्याल से। देखिए भारत के ज्यादातर लोग पहले ही समझ चुके थे कि जाकिर बहुत बड़ा धूर्त है, वो ऐसे ही बातें कर करके लोगों को बरगलाया करता है, वो इस्लाम के नाम पर ऐसे ही चूरन बेचा करता है और उससे अपनी जेब भरता रहता है। सोचिए वो इस्लाम का इतना बड़ा पैरोकार बनता है, औरतों को इस्लाम के हिसाब से ड्रेस पहनने पर जोर देता है, तो भैया खुद के हिसाब से वो ड्रेस क्यों नहीं पहनता? ऐसा माना जाता है कि ये इस्लामिक ड्रेस है। वैसे तो ड्रेस एक जियो लोकेशन वाला मामला है, कल्चर का हिस्सा है, तो फिर वैसे ड्रेस क्यों पहनता है? और PIA में मुफ्त सामान क्यों ले जाना चाहता है? मुफ्तखोरी जब हराम है इस्लाम में तो उसको क्यों मुफ्तखोरी चाहता है? तो इस्लाम और कुरान का नाम लेकर वो झूठ बोलने लगता है, बदतमीजी करता है, और आप लोग उस पर फिदा हैं।
कराची में उसने अपने प्रोग्राम में क्रिश्चियन कम्युनिटी को चैलेंज किया था। जब एक ईसाई प्रीस्ट ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर उसे जवाब दिया तो वो भड़क गया, वो अनाप शनाप बकने लगा। मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक CDA से है, क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हजरत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। चैप्टर नंबर भाई साहब वर्स नंबर सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूँ अलग बात है, आपने सवाल क्या, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शरायत है जी जी, मेरे डिबेट के ये शरायत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूँ, मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में, कितना 10 लाख, तो कम से कम 5% 50,000 का मजमा तैयार करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम करेगी। भाई अगर हम डिबेट करना चाहते हैं क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिन ने जो डिबेट करना चाहता है पादरी शेख कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है वो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अकेला कब किए, तारीख बोलिए और सबूत पेश किए, जो अकेला हम जब सुनिए 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 मेरी चर्च में सुनिए मेरी बात, चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक की किताब की बात कर रहा हूँ। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को खिताब क्या जुमे खुदे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने खिताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका 1 लाख का मजमा है, वो दलील नहीं है क्या 1 लाख उसके लिए है, वो 1 लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे, खिताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते क्या डिबेट करेंगे, आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो, कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए, चर्च में किए क्या, इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं। फिर भी डिबेट करना चाहते, मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में आओ डिबेट करेंगे, कब आने को तैयार है बोलो, मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाल्लाह, आपका बात है मलेशिया आप हायर करो। इसको जो समझता है जो जानता है उसको समझ में आती है एग्जैक्ट वर्ड्स में जो जाकिर नाइक चाह रहे हैं। तो उन्होंने ना डिबेट के पैरामीटर चेंज कर दिए हैं, वो ये अब फैक्ट्स ऑफ द मैटर सच क्या है मैटर क्या है उसमें पढ़ ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं मुझे ये लफ्ज़ ढूंढ के बताओ। और जब नहीं वो मिलते, क्योंकि जाकिर नाइक को पता है कि ये इन 3 लफ्ज़ों में जो वो चाह रहे हैं चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो लोगों को फिर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमने साइलेंटिंग वाली लॉजिकल फैलेसीज वीडियो में एड होमिनम अटैक डिस्कस किया है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर आप जाके जाकिर नाइक की वीडियोस देखें। वो लोगों को एक तो एरोगेंस है, माफ़ी मांगो मुझसे, माफ़ी मांगो झूठ बोला तुमने, झूठे हो तुम अपने आप को कहते हो क्रिश्चियन एक्सपर्ट हो, तुम्हें तो इतनी बेसिक बात नहीं पता, तुमने झूठ बोला, देखो मैं तो रिवर्स में मुझे याद थी। और जो एक उनकी फेवरेट टैक्टिक है जो मुझे बहुत एरोगेंट लगती है कि वो लोगों की नीयत पे अटैक करना शुरू कर देते हैं कि तुमने मुझसे इसलिए सवाल पूछा कि तुमने यहाँ ऑडियंस देखी और तुम्हें लगा कि हाँ मुझे तो ऑडियंस मिल गई, यहाँ तो 10,000-20,000 लोग मुझे सुनेंगे, मैं स्पीच देना शुरू कर देता हूँ, अगर इतना ही शौक है तो कल ही ऑडिटोरियम बुक कराओ, देखो तुम्हारे लिए कितने लोग आते हैं, सारे लोग मेरे लिए आए हैं। फील लाइक इट्स अ वेरी वेरी एरोगेंट वे
ठीक इसी तरह उसने पश्तून लड़की के साथ भी किया था जब उसने बच्चों के यौन शोषण की बात कही थी। जाकिर ने उस लड़की को पब्लिकली धमका दिया था, उसे बेइज्जत किया था, लेकिन अब पाकिस्तानी ही जाकिर के इस बिहेवियर पर सवाल उठा रहे हैं। तो जाकिर साहब उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो आगे से ये कहते हैं कि आपका सवाल ही गलत है, फिर आप उसको इस्लामी माशरा नहीं कह सकते। बात यह है कि इस्लाम, वो आगे से ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात बिल इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ, हर बंदे का एक अपनी राय होती है। हो क्यों नहीं सकता? अगर इस्लामी माशरे में कोई जुर्म हो नहीं सकता तो फिर इस्लामी सजाएं किस लिए हैं? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुर्म नहीं हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसार नहीं करवाए, उन लोगों को सजा नहीं दिलवाई गई? क्या उनके खिलाफ आपने मतलब आवाज़ नहीं उठाई या जंग तक नहीं की? तो मुराद यह है कि जुर्म हो सकता है, ये है कि एक अच्छा माशरा है, इस्लामी माशरा है, तो वहाँ उसकी जो है ना मिकदार कम हो जाती है, वो 90% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। जुर्म हर हालत में रहेगा, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और ये दुनिया इम्तिहान है। जाकिर नायक एक तरफ पाकिस्तान में मजहबी बवाल मचा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत को भी जमकर बेइज्जत कर रहा है। मुफ्तखोरी के चक्कर में उसने PIA को गालियां दी, अब के उसने फिलिस्तीन को लेकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास फोर्सेज हैं, सऊदी अरब मेड एन आर्मी ऑफ अराउंड 50 कंट्रीज, पाकिस्तान की इतनी बड़ी आर्मी है, क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर अल्लाह ने कुछ आपको फैसिलिटी दी है, अगर कुछ एबिलिटी दी है और अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी पूछताछ होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते, अगर कुछ गलत देखते हाथ से रोक सकते तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम अज़ कम दिल में कोसो, और अगर आप वो थर्ड चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप सबसे नीचे दर्जे के मोमिन हो। भाई बात भी सही है, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के आम लोग रात दिन हाय फिलिस्तीन कहते रहते हैं, कहते हैं कि सरकार इजाज़त दे तो गाज़ा जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सब केवल ज़ुबानी हवाबाजी है। पब्लिक तो छोड़िए, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी में भी इसराइल के खिलाफ कोई स्टेप उठाने की औकात नहीं है। तो फिर जाकिर नायक ने गलत क्या बोला? सही कहा उसने कि पाकिस्तानी निचले दर्जे के मोमिन हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जाकिर नायक ने एक और जबरदस्त बम फोड़ा है। एक इंटरव्यू में जाकिर ने कहा कि डिक्टेटरशिप से कोई दिक्कत नहीं है, बस वो डिक्टेटर जो है वो इस्लाम को फॉलो करता रहे। सुनिए, अगर डिक्टेटर बेनेवोलेंट है और कुरान हदीस की रोशनी में रूल कर रहा है तो अच्छी बात है। डिक्टेटर मतलब मैं जो बोलूँगा सही, अगर वो डिक्टेटर है और कुरान और हदीस पे 100% अमल करता है तो प्रॉब्लम कोई नहीं है इस्लाम में, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा। जिस तरीके से अगर हज़रत उमर की सीरा देखेंगे आप रज़ियल्लाहु अन्हु, सेकेंड कैलिफ एकदम डिक्टेटर जैसे थे, बोल सकते, लेकिन कुरान हदीस में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लोग डरते तो इतना शिद्दत से इस्लाम की फॉलो कर रहे, लेकिन खुद की ज़िंदगी देखिए, एकदम सिंपल, रात को ताजुद में दुआ करते थे। तो ऐसे डिक्टेटर जो कुरान और हदीस पे 100% अमल करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जाकिर ने यह बात उस पाकिस्तान में कही जहां सरकार से ज्यादा आर्मी का रूल चलता आया है। पाकिस्तानी आर्मी कब सरकार पलट दे ये कोई नहीं कह सकता। उस पाकिस्तान में जाकिर ने डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करके कहीं एक और तख्ता पलट का इशारा तो नहीं दे दिया? मतलब वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चाहिए। अच्छा, कई लोग अब इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है कि फौज ने इनको बुलाया इसलिए कि ये लोगों को जाके ये कन्विंस करें कि इसमें अगर डिक्टेटरशिप भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, हैं वो स्टेट गेस्ट और औरत के इक्तदार को भी वो हराम कह रहे हैं और डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो बड़ी मुश्किल से डिक्टेटरशिप से निकले हैं फिर साहब। तो आप तो एक प्रिविलेज किस्म की क्लास से हैं जिससे होके तो आप तो फायदे उठा रहे हैं, जिसमें स्टेट गेस्ट से लेके तो ये सारी चीजें। तो ये कहना कि ये प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये उम्मत मुसलमान को गुमराह करने वाली बात है। और ये ड्रामेबाजी करके तो यहूदी मीडिया बाकोल, उनके हम नहीं कहते उनके बाकोल, उसकी मांग तांग करके उसके आगे हाथ जोड़ के तो ये लेते हैं मराठ और अपना करते हैं बिजनेस जो 20-20 मिलियन और बिलियन से ऊपर है, और आके अपने लोगों को कहते हैं कि गुरबत में जिंदगी गुजारो।
बेरोजगारी में और बदहाली में जिंदगी गुजारो और हुक्मरान जो कहते हैं वो करो। ये बेसिकली जो पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात ने अपने लिए एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है मुल्क के अंदर, डेमोक्रेटिक कुवतों को चैलेंज करके, फ्रीडम्स को चैलेंज करके, उसको अब रोकने के लिए उनको इस तरह के हरबे चाहिए। ऐसा माजी में भी होता रहा, ये बाहर से लोगों को मंगवाते रहे। एक दफ़ा इंडोनेशिया से पहले भी, मलाशिया से गालिबन इन्होंने खातून को बुला के लेक्चर दिलवाए थे कि बहुत पॉपुलर किस्म की खातून थी कोई, तो वो मजमा इकट्ठे करती है और उसका इन्होंने बल्कि स्पीकर पे दिखाया था कि उसके पेट में जो है वो हमला है और उसका बच्चा अजान देता है, और ये पाकिस्तान के मौलवी उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने शुरू हो गए थे। वो बाद में उसको पाकिस्तान से वो टेप रिकॉर्डर पकड़ा गया तो वो भाग गई वहां से। तो ये सारे जो किस्से हैं ये स्टेटस को की जो हामी कूबते हैं जिन्होंने एक तरह की चिंगारी को आग सुलगा दी है, अब उसको रोकने के लिए ये अटेंशन। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपकी उसमें लाना चाहता हूँ कि ये जो है इनका ये स्टेट वालों से कोई, जो हम बार बार कहते हैं जी स्टेट गेस्ट, वो कौन सी स्टेट है भाई? ये आदमी दो तीन जो जबरदस्ती चढ़े हुए हैं हुकूमत पे, इनके पास कौन सा इख्तियार है कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करके तो इस तरह के लोगों को बुला बुला के तो पाकिस्तान के अवाम का दिमाग ऑलरेडी खराब हुआ हुआ दिमाग मजीद खराब करें। और आप सब जानते हैं कि आसिम मुनीर तो हाफिज हैं, बहुत बड़े वाले। जाकिर नाइक के स्टेटमेंट के बाद से यकीनन शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए होंगे। शहबाज गवर्नमेंट खुद को कोस रही हो कि आखिर इस जाकिर नाइक को पाकिस्तान क्यों बुला लिया। तो जाकिर ने पब्लिक के बीच में पाकिस्तानी मर्द और औरतों के बीच में पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच में फसाद खड़ा कर दिया है, बांट दिया। लेकिन जाकिर ने एक और बवाल भी कराया और वो ये है कि पाकिस्तान के इस्लामिक फिरकों के बीच बंटवारा। जाकिर नाइक देवबंदी है, पाकिस्तान जाकर उसने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान में ही सवाल खड़े होने लगे कि देवबंदी है बरेलवियों के मुल्क में आ रहा है। अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी कि इसकी पुतला जलाया जा रहा है कराची में और पाकिस्तान में जगह जगह पे, इसको गालियां पड़ रही हैं। शिया, देवबंद, बरेलवी सारे फिरके इसके खिलाफ खड़े हो गए। किसी शख्स के पास ये हक नहीं है कि वो किसी कौम को मजहब का चुरन देके या गलत इल्म देके डिवाइड करे। हर वो शख्स जो कौम में इस टाइम कौम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, उनकी स्टेटमेंट है। मुझे आप ये एक बात बताएं, वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। अच्छा। तो पाकिस्तान वो लेने क्या है? अच्छा, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है भाई। जाकिर नाइक के इन्हीं बयानों, इन्हीं बर्तावों की वजह से पाकिस्तान के फिल्मी कलाकार भी उस पर भड़के हुए हैं। अली जफर पाकिस्तान के एक्टर और सिंगर हैं, बॉलीवुड में भी काम किया है। अली जफर ने जाकिर नाइक के बाजारू औरत वाले बयान के खिलाफ एक ट्वीट किया है। इसी तरह मिशी खान पाकिस्तान के फिल्म और टीवी कलाकार हैं, उन्होंने भी जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान बुलाए जाने पर पाकिस्तानी सरकार को खूब बातें सुनाई। इन्होंने जाके जो इनका पीआईए के हवाले से 6 लोगों का 1000 kg क्या ले जा रहे थे यार आप लोग, और 500 kg अगर आपको छोड़ दिया तो स्टेट गेस्ट होने का ये मतलब है कि आप उस चीज का फायदा उठाएं कि सारा सामान जो है वो फ्री हो, बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच। इंडिया के बारे में आप कह रहे हैं, इंडिया बहुत अच्छा, जाहिर है आपने कहना है क्योंकि आपने वहां जाके रहना है और आपको वहां के हालात का पता है कि अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो वहां पे लोग आपको जो है ना वो ठीक ठाक सुना देंगे। कि वहां पे इंडिया में तो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो है उनके घर में घुस जाती है इनकम टैक्स की टीम, 1 रुपया उन्होंने अगर ना दिया हो प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे क्या इतना है कि 6 लोगों का 1000 kg फ्री दे दें? क्यों भाई, किस खुशी में? आपके पास माशाल्लाह इतने पैसे होते हैं, इतना आप लोगों के पास वसायल है, क्यों आप 500 kg के पैसे नहीं दे सकते थे? स्टेट गेस्ट होने का मतलब है कि बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है ये कोई तरीका? ऊपर से आप जो औरतों के लिए जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इतना अफसोस और दुख है कि आप जैसी शख्सियत अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करती है कि औरतों को आप कह रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई वो भजारी हैं, अल्लाह माफ कर दे। आपको आदमियों को समझाना चाहिए, उनको थोड़ा लेसन देना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह होती है ना इनकी आबादी और आबाद मर्दों ने ही किया होता है। और शादीशुदा आदमियों के बारे में कह रहे हैं तो क्या मतलब, जो शादीशुदा उनकी तोड़वा के औरतें शादियां करना शुरू कर दें? किस तरह की तलकीन कर रहे हैं यार आप?
थोड़ा कुछ खुदा का खौफ करें, आपकी पोजीशन अल्लाह ने आपको दिया, अपने अल्फाज का चुनाव तो ठीक रखे हैं। जाकिर साहब, इतना अफसोस हुआ है आपकी ये बातें सुन के कि मैं बता नहीं सकती आपको। प्लीज बी लिटिल पोलाइट टू पीपल, आप तो ऐसे लड़ रहे होते हैं जिस तरह पता नहीं, अल्लाह माफ करे। और लास्ट बात, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज खुदारा ऐसे लोगों को स्टेट गेस्ट और इस तरह प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं, क्यों बुलवाते हैं आप इनको। अरे भाई पाकिस्तानियों, मैंने तो सोचा था कि पाकिस्तान जाकिर नाइक को शेल्टर देगा, अपनी सिटीजनशिप देगा, लेकिन तुम लोगों ने तो बिल्कुल, यार तुम लोग बिल्कुल एंटी इस्लामिक हो भाई। एक इस्लाम के सच्चे सिपाही को ऐसे धुतकार रहे हो, गालियां दे रहे हो यार, बुरा भला कह रहे हो कि उसका दिमाग गटर है, वो गंदी सोच वाला है। बताओ यार, वो भी केवल 15 दिनों में। पहले तो तुम लोग बहुत खुश हुए थे, वाह भारत का दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त बन गया है, जो भारत का भगोड़ा है उसे पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है। पाकिस्तान का सारा मीडिया उसके पीछे, अब जानवर का नाम लेगा, उसकी तरह दुम हिलाने लगा। सुबह शाम टीवी चैनल्स उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके प्रोग्राम्स लाइव दिखाए जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, अभी तो वो 15 दिन और रहने वाला है पाकिस्तान में, अभी तो वो और जहरीली उल्टियां करेगा अब पाकिस्तान में, और तुमको तो भाई झेलना पड़ेगा। अभी तो वो अपने ऐसे ही जहरीले बयान से पाकिस्तान में और जहर भरेगा। तो ये सब तो तुम लोगों को अच्छा ही लगता है भाई, तो इंजॉय करो ना। और मेरी मानो तो जाकिर नायक को पाकिस्तान का नागरिक बना लो, वहीं रख लो और मजा आएगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए भाई, शेयर करिए, लाइक करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे आपके फोन पर फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हमने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।